आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कच्चे आम की रेसिपी। ये मेरी दादी माँ की रेसिपी है, जब मैं छोटी थी तो वो मुझे बनाकर खिलाती थी। आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस डिश का टेस्ट ना थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा तीखा है। हर तरह का टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं ये कच्चे आम की खट्टी मीठी सी डिश। आम की ये खट्टी मीठी सी डिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3 मीडियम साइज का कच्चा आम। इसे हमने अच्छे से धुल लेना है। इसे धुलने के बाद हमने इसे चाकू से पीसेस में कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसे ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये आम थोड़े से पीले होने लगे हैं, आपके पास एकदम कच्चे वाले आम हो आप उसे यूज़ करिएगा। तो चलिए अब इसके हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है, इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें डाल देंगे 2 खड़ी लाल मिर्च। इसी के साथ साथ इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पर स्लो पर रखना है। खड़े मसालों में इसमें जाएगा 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी, 1/4 चम्मच मंगरेल, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच खड़ी धनिया। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो खड़े मसाले का तड़का है ये इस डिश की जान है, इसमें से एक भी मसाला स्किप नहीं होना चाहिए, इससे इस डिश का जायका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही ये मसाले हल्के सुनहरे हो जाते हैं हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर एकदम धीमा रखना है। सूखे मसालों में इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 चम्मच हींग पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हमने इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। अब हमने धीमी आंच पर मसालों को यूं चलाते हुए पका लेना है। इन सारे मसालों की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी डिश कितनी बढ़िया बनने वाली है। ये सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हमने जो आम कट करके रखा हुआ है उसको इसमें डाल देंगे। इसे इसमें डालने के बाद मसालों में इसे खूब मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम पर रखना है। ऐसे ही इसे चलाते हुए हमने 1/2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। हमारे गांव में इसे गुड़ अचरा बोला जाता है और कहीं कहीं इसे गुड़म्मा नाम से भी जाना जाता है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हमने इसमें गुड़ डाल देना है। ये लगभग 250 ग्राम गुड़ होगा। अब इसे भी अच्छे से एक बारी मिला लेते हैं। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम पर कर देना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेते हैं। पानी में अच्छे से बॉईल आने लगा है, अब इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ ही में इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक। अब इसे हमने ढक कर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेना है। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब इसका ढक्कन हम निकाल देते हैं। ये देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया हुआ है और इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अभी हमने इसे खुले में 5 मिनट और पकाना है। ग्रेवी इसकी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक इसे हमने पकाना है। ये देखिए 5 मिनट हमने इसे खुले में भी पका लिया है और इसकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनकर आई है। हमने इतनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। गैस की फ्लेम को अब हमने बंद कर देना है और अब इसे हम सर्व कर लेंगे। इसे आप रोटी पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इसे आप खाने में चटनी या अचार की तरह ले सकते हैं, ये खाने के जायके को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको हमारी ये गुड़ अचरा या फिर गुड़म्मा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।